नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जेंट स्वेटर में मुड्ढे घटाएंगे। तो अभी तक हमने 10 नंबर की सिलाई पे 100 फंदे डाले थे और बॉर्डर बन जाने के बाद इसमें 11 फंदे बढ़ा दिए, क्योंकि हमें वी नेक बनाना है। तो वी नेक बनाने के लिए हमें ऑड नंबर में फंदे चाहिए होते थे, इसलिए हम 11 फंदे बढ़ा लिए। उसके बाद टोटल हमारी जब लेंथ 17 इंच हो गई, तो अब हम इसमें मुड्ढे घटाएंगे। तो ये हमारा फ्रंट साइड है और अब इसमें हम 5 फंदे घटा लेंगे। पहले फंदे को स्लिप कर लिया, अगले फंदे को सीधा बुना और पीछे वाला फंदा आगे वाले पे चढ़ा दिया है। एक फंदा घट गया, दो फंदा घट गया, तीन, चार और ये 5। तो 5 फंदे हमने घटा लिए। उसके बाद अपने पैटर्न को हम चालू रखेंगे। तो अपने पैटर्न को कायम रखते हुए हमने 55 फंदे बुन लिए। 5 फंदे यहाँ घट चुके हैं और 50 फंदे सिलाई पे हैं। और ये फंदा जो है वो 56वां फंदा है, यानी स्वेटर का मिडिल फंदा। तो इसे हमें वी नेक बनाना है, तो इसे हमें उतारना होगा। तो ये फंदा हम एक सेफ्टी पिन पे उतार लेंगे और फिर आगे हम अपने पैटर्न को चालू रखेंगे। और पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। तो पूरी सिलाई कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो पूरी सिलाई मैंने कंप्लीट कर लिया। अब हम रॉन्ग साइड में हैं, तो जैसे हमने 5 फंदे इधर घटाए थे, वैसे ही हमें 5 फंदे इधर भी घटाने होंगे। तो पहला फंदा स्लिप कर लिया, अगले फंदे को उल्टा बुना, पीछे वाला फंदा आगे वाले पे चढ़ा लिया। एक हो गया, दो, तीन, चार और 5। शेष फंदे हम अपने पैटर्न के हिसाब से बुनते हुए सेंटर में आएंगे। देखिए फ्रेंड्स, बुनते हुए मैं सेंटर में आ गई हूँ। अब यहाँ पे हम अपना दूसरा धागा अटैच करेंगे और दोनों पल्ले साथ साथ बुनना शुरू करेंगे। इससे हमारे पल्ले सेम बनेंगे और बुनने में भी आसानी होगी। तो ऊन अटैच करके मैं दिखाती हूँ। तो मैंने ऊन अटैच कर लिया है। अब हम अपने पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे और धागे को हम लपेटते जाएंगे। तो हमने लाइन पूरी कर ली। अब ये लास्ट फंदा, इसे हम स्लिप कर लेंगे। हम रॉन्ग साइड से हैं और लास्ट फंदे को हम बुनेंगे नहीं, स्लिप कर लेंगे। अब फिर हम सामने की तरफ हैं और इस लाइन में हमें 3 फंदे घटाने हैं। हम 5 3 2 1 इस तरह 11 फंदे एक साइड में घटाएंगे। तो 5 फंदे हमने पिछली लाइन में घटाए थे, इस लाइन में हमें 3 फंदे घटाने हैं। तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, नेक्स्ट फंदा सीधा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को चढ़ा के इसके ऊपर ऐसे चढ़ा देंगे। 1 2 और 3, ये इस लाइन में हमने 3 फंदे घटा दिए। अब हम अपने पैटर्न को चालू रखेंगे।
और डिज़ाइन को अपना बनाते हुए हम सेंटर पार्ट में आएंगे, हम बीच में पहुंचेंगे। तो मैं गले के पास पहुंच के आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हुए सेंटर में पहुंच गए हैं। अब हमारे सिलाई में दो फंदे बचे हुए हैं, तो अब इन दोनों फंदों को हम ऐसे पहले दूसरे वाले सिलाई में, फिर पहले दूसरे वाले फंदे में ऐसे सिलाई डालेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए दो का एक करेंगे। यानी यहाँ पे हमने एक फंदा घटा लिया। अब हम गले के दूसरी तरफ हैं, तो इसमें भी हम दो फंदों को एक साथ लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे। तो हमने दोनों साइड में एक एक फंदे घटा लिए। अब फिर हम अपने डिज़ाइन को कायम रखते हुए लास्ट में पहुंचेंगे। अपने डिज़ाइन को कायम रखते हुए आस्तीन के पास पहुंचेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये लास्ट फंदा है, तो इसे हम स्लिप कर लेंगे। इसे हमें बुना नहीं है, इसे हमें स्लिप कर लेना है। अब हम रॉन्ग साइड से हैं, तो पिछली लाइन में हमने पांच फंदे घटाए थे, इस लाइन में हम तीन फंदे हमें घटाना है। तो पहला फंदा स्लिप कर लिया, अगले फंदे को उल्टा बुना, पीछे वाला फंदा उठाया और आगे वाले पे चढ़ा दिया। एक कट गया, दो और तीन, तो तीन फंदे हमारे घट गए। पिछली लाइन में पांच, अब की तीन। और फिर अब हम बुनते हुए गले के पास आएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब ये लास्ट फंदा है, तो इसे हमें बुनना नहीं है, इसे यूं ही स्लिप कर लेना है। और दूसरे साइड का फर्स्ट फंदा, तो इसे भी हम बुनेंगे नहीं, दोनों साइड के फंदे हमने बुने नहीं है, स्लिप कर लेंगे। शेष फंदे हम बुनते हुए आस्तीन के पास पहुंचेंगे। तो ये लास्ट फंदा है और इसे हम स्लिप कर लेंगे, इसे हमें बुनना नहीं है। अब हम सामने की तरफ हैं, तो हमने तीन फंदा घटाया, पांच फंदा घटाया, फिर तीन फंदा घटाया और इस लाइन में हमें दो फंदा घटाना है। तो पहला वाला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, अगले वाले फंदे को सीधा बुनेंगे और पिछला फंदा इस पे ऐसे चढ़ा देंगे। एक हुआ और दो, तो हमने पांच, तीन और दो फंदे घटा लिए। अब शेष फंदे हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे। डिजाइन बनाते हुए हम सेंटर में पहुंचेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दो फंदे बचे हुए हैं, तो हम ऐसे दोनों को एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे। यानी यहाँ पे हमने घटा दिया, तो पिछली लाइन में भी हमने सीधी लाइन में घटाया था और इस लाइन में। तो इस तरह हम लगातार पांच फंदे घटाएंगे, यानी हर सीधी लाइन में दोनों तरफ हम गला घटाएंगे। ये हमारा दूसरा फंदा घटा है। जब हम लगातार पांच फंदे घटाते हैं हर सीधी लाइन में एक फंदा, तो गला का शेप बहुत ही अच्छा आता है। अब ये हमारा लास्ट फंदा है, तो इसे हम स्लिप कर लेंगे। अब हम रॉन्ग साइड में हैं, तो हमने पांच फंदे घटाए,
तीन फंदे घटाए और इस लाइन में हमें दो फंदे घटाने होंगे। तो ये हमने दो फंदे घटा लिए। अब शेष फंदे डिजाइन बुनते हुए हम गले के पास आएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये गले का लास्ट फंदा है तो इसे हमें बुनना नहीं है, स्लिप कर लेना है। रॉन्ग साइड से हम गला नहीं घटाएंगे, हम सिर्फ सामने की तरफ से ही गला घटाएंगे। दूसरी साइड का ये फर्स्ट फंदा है तो इसे भी हमें बुनना नहीं है, स्लिप कर लेना है और शेष फंदों को बुनते हुए हम दूसरी साइड पे आ जाएंगे। तो देखिए, अब ये हमारा लास्ट फंदा है तो इसे हमें बुनना नहीं है, स्लिप कर लेना है। अब हम सामने की तरफ आ गए हैं। तो देखिए, हमने पांच फंदे घटाए, फिर तीन फंदे घटाए, फिर दो फंदे और इस लाइन में हमें एक फंदा घटाना है। तो पहला फंदा स्लिप किया, अगले फंदे को सीधा बुना और पिछला फंदा उठाया और आगे वाले पे चढ़ा दिया। अब फिर हम अपने डिजाइन को आगे बढ़ाएंगे और बुनते हुए हम गले के पास आएंगे। अब देखिए, हमारे ये दो फंदे बचे हैं तो उन दूसरी ओर करेंगे और दोनों फंदों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। ये हमारा तीसरा फंदा कट गया, एक दो और तीसरा फंदा कट गया और लगातार हम पांच फंदे घटाएंगे। दूसरी साइड में भी हम पहले फंदे को स्लिप करेंगे, अगले फंदे को सीधा बुनेंगे और इसे चढ़ा देंगे या फिर दोनों फंदों को एक साथ लेके सीधा बुन लेंगे। तो ये तीसरा फंदा घट गया। उसके बाद हम अपने पैटर्न को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट फंदे को हमें बुनना नहीं है, स्लिप कर लेना है और फिर हम रॉन्ग साइड से दो फंदों को एक साथ लेके एक उल्टा फंदा बना लेंगे। यानी हमने ये देखिए, पहले पांच फंदे घटाए, फिर तीन फंदे, फिर दो फंदे और इस लाइन में एक फंदा, यानी हमने 11 फंदे घटा लिए और इसके साथ ही हमारा आस्तीन का ये मुड्ढे की घटाई कंप्लीट हो गई है। अब हमें इस साइड में कोई फंदे नहीं घटाना है, सिर्फ हमें गले पे ही फंदे घटाने हैं। अब हम गले के पास आ गए हैं तो लास्ट फंदा हम स्लिप कर लेंगे और इधर साइड से पहला फंदा स्लिप करेंगे और फिर शेष फंदे बुनते हुए लाइन कंप्लीट करेंगे। मुड्ढे के सारे फंदे घट गए हैं, इसलिए अब हमें इधर कोई फंदे नहीं घटाना है, बस अपने डिजाइन को बढ़ाते हुए। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे गले के पास आ गई हूँ और ये हमारा चौथा फंदा घट रहा है। दो फंदों को एक साथ लिया और सीधा बुनते हुए दो का एक किया। ये देखिए, एक दो तीन और ये चौथा फंदा। और इस साइड भी हम दो फंदों को एक साथ लेंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे और शेष डिजाइन को बनाते हुए हम अब हमें आस्तीन पे कोई फंदे नहीं घटाने हैं, बस गले पे फंदे घटाने हैं। और हम रॉन्ग साइड से कोई फंदे नहीं घटा रहे हैं, हम सिर्फ सीधे की तरफ से ही दोनों साइड के गले के फंदे घटा दे रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम फिर बुनते हुए गले के पास आ गए हैं और इस समय हमारा पांचवा फंदा घटेगा। तो ये हमारा पांचवा फंदा घट गया और इस साइड भी हम दो फंदों को एक साथ लेके बैक लूप से एक दो का एक कर देंगे तो ये पांचवा फंदा घट गया। तो देखिए फ्रेंड, गला कितना क्लीन आया है। तो हमने हर सीधी सिलाई में
फंदे घटाए हैं दोनों तरफ, तो लगातार 5 फंदे हमने घटाए हैं और अब हमें एक सीधी लाइन छोड़ना होगा, यानी कि हमने ये इस लाइन में फंदे घटाए हैं, पीछे से हम आएंगे तो हमें फंदे घटाने नहीं हैं, बस पहले वाले फंदे को, दोनों साइड के फंदों को हमें स्लिप कर लेना है, उतार लेना है बिना बुने हुए, फिर हम सीधी तरफ आएंगे, फिर हम फंदे नहीं घटाएंगे और रॉन्ग साइड से फिर हमें फंदे नहीं घटाने हैं। अब जब हम सीधी साइड में आएंगे तब फंदे घटाएंगे, यानी 5वीं सिलाई में हमें फंदे घटाने हैं। अभी तक हमने हर तीसरी सिलाई में, या यूं कहिए हर सीधी सिलाई में घटाए हैं, अब हम एक सीधी सिलाई छोड़ के तब अगले वाले में हम फंदे घटाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मुड्ढा कंप्लीट हो गया है। तो हमने मुड्ढे में घटाया था 5, 3, 2 और 1, और उसके बाद देखिए ये हो गया 7 इंच कंप्लीट। और गले पे हमने लगातार 5 फंदे घटाए थे, यानी हर सीधी लाइन में दोनों साइड से एक एक फंदे, तो हर 5 लाइन में हमने हर सीधी 5 लाइन में हमने 5 फंदे घटा दिए। उसके बाद एक सीधी लाइन छोड़ दिया, यानी कि तीसरे सीधे लाइन में हमने फंदे घटाए। तो इस तरह हमने आस्तीन में 11 फंदे घटाए और गले पे 16 फंदे घटा लिए। 5 फंदे लगातार हर सीधी लाइन में, उसके बाद एक सीधी लाइन छोड़कर अगले सीधी लाइन में एक फंदा। उसके बाद जब हमारे पास 28 फंदे रह गए तो हमने घटाना बंद कर दिया। ओके, यहाँ से हमने फिर सीधी सिलाई बुनना शुरू कर दिया है डिज़ाइन को आगे बढ़ाते हुए। तो इस तरह हमारा ये फ्रंट पार्ट कंप्लीट होता है। देखिए ये हमारा बैक पार्ट है और इसे मैंने फ्रंट पार्ट से 4 लाइन कम बनाया है, क्योंकि मैं इसमें गले में फंदे घटाऊंगी। तो बॉर्डर में 100 फंदे थे, बॉर्डर के बाद 10 फंदे बढ़ा दिए तो टोटल हो गए 110, और आस्तीन पे हमने 11 फंदे घटा दिए, यानी कि 22 फंदे घटा दिए। अब बचे 88 फंदे, 88 स्टिचेस। तो हमको कंधे पे रखना है 28 फंदे, तो 28 फंदे हम सीधा बुन लेंगे, तो ये शोल्डर के 28 फंदे हो गए। अब हमें 32 फंदे घटाने हैं, तो हम 2 फंदा बुन लेंगे और पिछला फंदा आगे वाले पे चढ़ा देंगे, तो ये एक फंदा घट गया, 2, 3, ऐसे ही करके हम 32 फंदे घटाएंगे। तो 32 फंदे घटा के मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये 32 फंदे घट गए और दूसरी साइड में 28 फंदे बचे हुए हैं, तो इन्हें हम बुन लेंगे और ये हमारा दूसरे साइड का शोल्डर हो गया। अब इसे हम 4 लाइन बुनेंगे, ये पहला लाइन हम बुन रहे हैं और 3 लाइन हम और बुनेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 4 लाइन कंप्लीट कर लिया, यानी इस साइड का ये शोल्डर कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरी साइड में थ्रेड लगाएंगे और सभी फंदे उल्टे बना लेंगे। ये हमारा दूसरा लाइन है, एक लाइन हमने पहले बुन लिया है, अब ये हमारा दूसरा लाइन है और हमें टोटल 4 लाइन बनाना है। ये दूसरा लाइन है और 2 लाइन हम और बनाएंगे, तो हमारा इस साइड का भी शोल्डर कंप्लीट हो जाएगा। तो कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस साइड भी हमने 4 लाइन बुन लिया है, यानी कि हमारा दूसरे साइड का भी शोल्डर कंप्लीट हो गया। और इस तरह, यानी 4 लाइन पहले घटाने से हमारा गला बहुत ही खूबसूरत बन के तैयार होता है और इसमें बहुत ही सफाई आती है। अब हमें इन दोनों पल्लों को आपस में जोड़ना होगा,
फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों पार्ट्स को आपस में जोड़ना होगा। तो हम एक थ्रेड को काट लेंगे और ऐसे दोनों को आपस में पहले जोड़ लेंगे। और अब दोनों सिलाइयों से एक एक फंदा लेंगे और उल्टा बुनते हुए दोनों सिलाइयों से एक एक फंदे लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे। दोनों सिलाइयों से एक एक फंदे लेंगे, उल्टा बुन लेंगे। नेक्स्ट दोनों सिलाइयों से एक एक फंदे लेंगे, उल्टा बुन लेंगे और पीछे वाला फंदा उठाएंगे और आगे वाले पे चढ़ा देंगे। फिर हम दोनों सिलाइयों से एक एक फंदा लेंगे और उल्टा बुन लेंगे, पीछे वाला फंदा उठाएंगे और आगे वाले पे चढ़ाएंगे। इसी तरह करके हम सारे फंदे घटाएंगे। हमारे दोनों पार्ट्स देखिए, ये दोनों पल्ले आपस में जुड़ने लगे हैं। तो इसी तरह करते हुए हम दोनों पार्ट्स को आपस में जोड़ लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी फंदे आपस में जोड़ लिए। अब ये लास्ट फंदा बचा हुआ है, तो इसमें ऐसे गोला लेंगे और इसके भीतर से निकाल लेंगे और इसे टाइट कर लेंगे। अब इसी तरह हम दूसरे साइड के भी देखिए फ्रेंड्स, अब हम दूसरे साइड के भी फंदे जोड़ेंगे। तो ये जो थ्रेड है इसको हम यूं ही छोड़ देंगे, क्योंकि ये गले के फंदे उठाने के काम आएगा। और फिर हम दो दो फंदे लेंगे और उल्टा बुनते हुए नेक्स्ट दो फंदे लेंगे, दोनों को उल्टा बुनेंगे और पीछे वाला फंदा उठा के आगे वाले पे चढ़ा देंगे। नेक्स्ट दो फंदे लेंगे, दोनों को एक साथ लेते हुए उल्टा बुनेंगे, पीछे वाला फंदा आगे वाले पे चढ़ा देंगे। इसी तरह करते हुए हम सारे फंदे बुन लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा गला इस तरह घटा है और शोल्डर देखिए ऐसे। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।